मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एसपी ऑफिस में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां ऑफिस की कंटेजेंसी शाखा में पदस्थ क्लर्क आरक्षक अरविंद भदौरिया ने 71 लाख रुपए की सरकारी राशि को निजी खातों में ट्रांसफर कर सरकार को ही चूना लगा दिया। ट्रेजरी की ऑडिट रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है, उसमें शुरुआती जांच में 77 खाते सामने आए हैं जिनमें राशि ट्रांसफर की गई। इसमें आरक्षक अरविंद की पत्नी के खाते में ही 17,50,000 रुपये ट्रांसफर होना मिला है। वहीं पुलिस ने आरक्षक के खिलाफ FIR दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। उधर SP राजेश सिंह चंदेल ने आरक्षक को निलंबित कर दिया है। तो वहीं वरिष्ठ कोषालय अधिकारी अरविंद शर्मा ने कहा कि इस गड़बड़ी की शिकायत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से कर दी गई है, उनसे रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। वहीं ट्रेजरी ऑफिसर अब पिछले 5 सालों में हुए भुगतान और बिलों की जांच भी करेंगे। ग्वालियर से संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। अभी ये जानकारी कल एक पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई है और उसमें एक कमेटी बनाई गई है ट्रेजरी के द्वारा, एक्सपर्ट कमेटी है जो पूरे जो सस्पिशियस अकाउंट्स होते हैं उन सबको आइडेंटिफाई करके उसमें किस तरह से कैसा ट्रांजेक्शन हुआ, बेस क्या था, उस पर एक विस्तृत कमेटी बैठ के उसमें पूरी जाँच करके हमको रिपोर्ट देगी, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जहाँ आप कह रहे हैं कि एक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ तो ऐसी बात प्रिलिमिनरी तौर पर अभी आई है, लेकिन हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं, उस पर अभी जाँच हो रही है और जैसे ही वो चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी तो हम कार्रवाई करेंगे।